नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। योगी सरकार उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की तरफ लगातार अग्रसर है। इसी सिलसिले में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक दिवसीय जनपदीय निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। एक जनपदीय जहां भारी संख्या में निवेशकों ने हिस्सा लिया, जिसमें 56,000 करोड़ रुपये के निवेश की रूपरेखा तैयार की गई। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहले स्थानीय स्तर पर हुए इस सम्मेलन से यूपी में होने वाले इन्वेस्टर समिट को और पंख लग गए हैं। इस सम्मेलन में सूबे के उप मुख्यमंत्री विजय पाठक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और यूपी सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल समेत कई लोग मौजूद रहे। फरवरी माह में अद्भुत नजारा होगा उत्तर प्रदेश राज्य में, जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा। बड़ी संख्या में विभिन्न उद्योगपतियों ने अपनी इच्छा जाहिर की, जिनमें साइन हुए हैं, और उत्तर प्रदेश राज्य $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और वाराणसी से लेकर जो एक क्रूज आसाम तक जाएगा, वो डिब्रूगढ़ तक जाने वाला है, और देश का सबसे बड़ा वो क्रूज है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और वास्तव में पर्यटन की दृष्टि से और यातायात के साधनों का एक वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराना, एक बेहतर विकल्प देना बहुत अद्भुत कार्य है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रदेश की ओर से, प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। लखनऊ के अंदर जो प्रदेश की राजधानी है, एक शानदार इन्वेस्टर समिट आज यहाँ हुई है। लगभग 1,000 उद्यमियों ने IIA के बैनर पर यहाँ पार्टिसिपेट किया। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे डिप्टी CM आदरणीय कौशल किशोर जी, भारत सरकार के मंत्री, हमारे द्वारा, हमारे विधायकों के द्वारा यहाँ पर अपना अपना वक्तव्य भी दिया गया, और लोगों को भरोसा दिलवाया गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो इन्वेस्ट करेगा ना उसका इन्वेस्ट खराब होगा, उसको संरक्षण मिलेगा, हर प्रकार की सुरक्षा, हर प्रकार की सुविधाएं आज इंडस्ट्री को देने का वायदा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। प्रधानमंत्री जी पर, मुख्यमंत्री जी पर देश के नहीं, हिंदुस्तान नहीं, दुनिया भर के लोगों को आज ये भरोसा कायम हुआ है कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट होगा तो उनका संरक्षण भरपूर यहाँ पर। अखिलेश यादव लगातार जो है इस इन्वेस्टर समिट पर हमलावर हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ जुमला है, प्रदेशवासियों का हित इसमें नहीं है। वो हमलावर नहीं है, उनका फ्रस्ट्रेशन हमको दिखता है। उनको लगता है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ये मात्र 5 वर्ष के अंदर पूरी हिंदुस्तान के अंदर पूरी दुनिया के लोग कैसे भरोसा कर पा रहे हैं। ऐसा क्या जादू योगी जी ने चला दिया कि लोग दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं। इतने कम समय में जो विश्वास योगी जी और मोदी जी के प्रति उत्तर प्रदेश के अंदर कायम हुआ है, उसका फ्रस्ट्रेशन मुझको लगता है अखिलेश जी का बोल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में शानदार तरीके से काम। प्रतिष्ठान में आज जिला स्तरीय निवेशक सम्मेलन हुआ, जिसमें डिप्टी CM ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं लखनऊ के जिला अधिकारी सूर्यपाल गंगवार। सर, 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं प्रशासन के द्वारा इस समिट को सफल बनाने के लिए? हाँ, यहाँ लखनऊ में आज हमने उसी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पूर्व में, जो हर जिले में एक इन्वेस्टर समिट करनी है, तो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स को एक मौका देते हुए, उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, प्रोसेसेस हैं, जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर हैं, उनकी जानकारी देने के लिए आज यहाँ बुलाया गया था। और बहुत अच्छी संख्या में यहाँ लोग आए और उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स सबमिट किए हैं। जो इंटेंट अभी तक दाखिल हुई है, 331 लोगों की इंटेंट आ चुकी है, जिसमें 56,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। हम लोग इसे वेरीफाई करेंगे, इसके बाद में MOUs उनके साथ में साइन होंगे, और फिर जो आगे की प्रक्रियाएं हैं इसको ज़मीन पर मूर्त रूप में लाने के लिए उसको किया जाएगा। सर, कौन कौन से सेक्टर में निवेश की संभावनाएं अधिक हैं? हाँ, हाउसिंग सेक्टर यहाँ लखनऊ में फर्स्ट रैंक है, और उसके बाद में MSME सेक्टर भी अच्छा करेगा। ये थे हमारे साथ लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार, जिन्होंने बताया है कि हाउसिंग सेक्टर लखनऊ में सबसे ज़्यादा निवेश की संभावनाएँ बताई जा रही हैं। इसके बाद MSME सेक्टर का नाम आता है। मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। प्रतिष्ठान में जिला स्तर पर निवेशकों का शिखर सम्मेलन हुआ। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कौशल किशोर जी। सर, ये बताइए कि जो ये सम्मेलन था, कितने जो है जिला स्तर पर निवेशकों ने निवेश किया है, उससे क्या कुछ जो है आगे की संभावना? सैकड़ों इन्वेस्टर्स आ जाए थे लखनऊ के जिला इन्वेस्टर्स का सम्मेलन में, करीब 56,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया है। मैं समझ रहा हूँ हर गाँव में इस तरीके से छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी लगेंगे, और एक विकसित भारत बनाने में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी भूमिका निभाने का काम किया करेगा। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश की एक अग्रणी भूमिका होगी।
एमएसएमई सेक्टर में लगातार भारत जो है आगे सीढ़ियां चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश जो है वो केंद्र सरकार को भी सहयोग कर रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है इस इन्वेस्टर समिट के लिए, क्योंकि वो कह रहा है कि आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं, सिर्फ हवा हवाई बातें हो रही हैं। अखिलेश यादव कैसा कहना बता रहा हूँ आंकड़ा ना, आज ही 56,000 करोड़ रुपया आज के सैकड़ों इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर जो है इन्वेस्ट करने का काम किया। ये आंकड़ा इतना ही सुन ले आज ही का, और उत्तर प्रदेश के अंदर 1 ट्रिलियन के आसपास धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट करेंगे इन्वेस्टर, और ग्लोबल समिति जो होने जा रही है इन्वेस्टर्स की, उसमें बड़े पैमाने पर पैसा इन्वेस्ट होगा। इस बात से अखिलेश जी घबराए हुए हैं, विपक्ष घबराया हुआ है, क्योंकि वो अपने पीरियड में एक भी उद्यमी को नहीं लाए और एक भी उद्यम उत्तर प्रदेश में खोलने का काम नहीं किया। हमारे साथ राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, जिन्होंने यह बताया कि उत्तर प्रदेश में निवेशक की बौछार आने वाली है। इस जिला स्तर निवेशक सम्मेलन में 56,000 करोड़ की निवेश की योजना है। आने वाले समय में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है उसमें भी 10,00,000 करोड़ का लक्ष्य मुख्यमंत्री के द्वारा तय किया गया है। अखिलेश यादव पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 5 साल की उनके सरकार में वो 1 रुपया भी निवेश नहीं ला पाए हैं। वीडियो धीर के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।